नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। और इस क्लास में मैं आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में बताऊंगा। जानने के पहले कुछ बात को हम लोग समझते हैं। यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके CSIR, नेट गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। तो इसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और क्या हमको ध्यान रखना है, और सवाल का भी हम लोग एनालिसिस करेंगे और कुछ सवाल को हम लोग बनाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है क्या। ये ग्राफ है जो कि वोल्टेज वर्सेस टाइम, एक एक्सेस पर वोल्टेज रहता है और दूसरे एक्सेस पर टाइम रहता है। जो ग्राफ है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को डिनोट करता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बेसिकली एक ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस टाइम का, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में बताता है। इस ग्राफ का क्या यूज है? इस ग्राफ का हम लोग काफी फ्रिक्वेंटली हम लोग इरेगुलरिटीज का पता करने के लिए करते हैं, कि हार्ट रिदम में किस तरह का इरेगुलरिटीज हैं, और कहीं न कहीं ये बताता है कि यह ब्लॉकेज के चलते हो रहा है या नैरो आर्टरीज, नैरो का छोटा हो जाना इन हार्ट। और अगर इस तरह की परिस्थितियां पनपती है तो चेस्ट में पेन हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर हम लोग ECG करते हैं तो इसका जो सिग्नेचर है ब्लॉकेज का और हार्ट के रिदम का इरेगुलरिटीज के बारे में पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल ECG ग्राफ कैसा दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज वर्सेस टाइम का ग्राफ है, तो आपको वाई एक्सिस पर आपको वोल्टेज मिलेगा, जनरली मिली वोल्ट का यूनिट में रहता है, और आपका बॉटम में टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम रहता है। तो जब भी ये ग्राफ रहेगा तो वोल्टेज और टाइम, वोल्टेज जनरली मिली वोल्ट में और टाइम जनरली सेकेंड में डिनोट किया रहता है। ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। ये ग्राफ बिल्कुल इस तरीके का दिखता है, जो सबसे पहले आपको पी वेव दिखेगा। हम लोग पहले क्या देखेंगे, इसमें पी वेव देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि PR का इंटरवल, एक काफी महत्वपूर्ण है PR का इंटरवल। इसका क्या मतलब है ये सब हम बाद में देखेंगे। QRS कॉम्प्लेक्स, साथ साथ में ST सेगमेंट, और आपका एक T वेव और QT इंटरवल। तो हमने देखा क्या, इसमें हम लोग तीन तरह के चीजों को, खास करके PR इंटरवल, ST सेगमेंट और QT इंटरवल को देखते हैं, साथ साथ में वेव के पैटर्न को देखते हैं, पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और टी वेव को हम लोग देखते हैं। इसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, इस बात को भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पी वेव का क्या मतलब है। पी वेव RTL डिपोलराइजेशन के बारे में बताता है। ध्यान रखना है, याद करके भी इसको रखना है कि पी वेव RTL डिपोलराइजेशन के बारे में बताता है, और ये बताता है कि रिप्रेजेंट या बताता है स्प्रेड फ्रॉम द SA नोड थ्रू आउट द एट्रिया। SA नोड इज द ओरिजिन साइट, और वहां से एक वेव चलता है जो कि RTL डिपोलराइजेशन के बारे में, एक सिग्नेचर के बारे में बताता है, और ये टाइम जनरली जो होता है 80 से 100 मिली सेकेंड,
80 से 100 मिलीसेकंड, किसमें एक नॉर्मल पर्सन में ये टाइम पाया जाता है। ध्यान रखना पीआर जो है आरटीएल डिप्रोवाइजेशन के बारे में बताता है ना, और इसका जो टाइम फ्रेम होता है 80 से 100 मिलीसेकंड। अब देखते हैं दूसरा जो है पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल टाइम फ्रेम को हम देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये पीआर इंटरवल टाइम फ्रेम है जो बताता है ऑनसेट ऑफ पी वेव एंड बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जहां से पी वेव स्टार्ट हो रहा है और बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उस टाइम के हम लोग पीआर इंटरवल बोलते हैं। ये टाइम आपको बताता है आरटीएल डिपोलराइजेशन के बारे में, साथ साथ ऑनसेट वेंट्रिकुलर कूलर डिपोलराइजेशन दोनों के बीच में। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एक सिग्नेचर है किसका, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का। तो हम लोग पीआर इंटरवल के बारे में समझते हैं कि नॉर्मल परिस्थिति में इनका जो सिग्नेचर टाइम होता है 0.12 तो 0.20 सेकेंड, और अगर पीआर इंटरवल बढ़ रहा है, अगर किसी का ईसीजी की रिकॉर्डिंग में पीआर का पीआर इंटरवल अगर बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि ए भी कंडक्शन ब्लॉक हो रहा है, आरटीएल वेंट्रिकुलर का जो कंडक्शन है वो ब्लॉक कर रहा है, मतलब वो जाम कर रहा है या ब्लॉक स्टॉप हो रहा है या प्रॉब्लम है। दूसरा है जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो बताता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। तो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एक जो कॉम्प्लेक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के द्वारा क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। इसका जो टाइम फ्रेम होता है अबाउट 0.06 टू 0.1 सेकेंड, नॉर्मल पर्सन के ईसीजी में टाइम फ्रेम होता है। अगर ए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रोलॉन्ग मतलब थोड़ा ज्यादा होता है, ज्यादा समय का होता है, तो ये बता रहा है कि बंडल ब्रांचेज में ब्लॉक हो रहा, हार्ट के बंडल ब्रांचेज में ब्लॉक हो रहा है। तो दो चीज काफी ध्यान रखना है, पी वेव आरटीएल डिपोलराइजेशन और क्यूआरएस है जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और दोनों के पीआर के इंटरवल में या क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स का जो टाइमिंग अगर लंबा हो तो दोनों में क्या हो जाता है, ब्लॉकेज या हार्ट के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ये भी कंडक्शन और बंडल ब्रांच ब्लॉक रेस्पेक्टिवली। अब हम लोग एसटी सेगमेंट के बारे में समझते हैं। ये सेगमेंट ग्राफ को अपने अगर पार लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक ग्राफ ड्रा कर लीजिए तो आपको समझने में सुविधा होगी। अब हम देखते हैं कि इंडिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स एंड द बिगनिंग ऑफ टी वेव, इंडिंग ऑफ क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स एंड बिगनिंग ऑफ टी वेव, ये जो हो रहा है ये बताता है कि बोथ वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली डिप्लॉयड। एसटी सेगमेंट जो बता रहा है कि उस परिस्थिति टाइम को फ्रेम को कि बोथ वेंट्रिकल्स आर कंप्लीटली डिप्लॉयड, और इसको हम लोग कभी कभी प्लेटो फेज और वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना एसटी सेगमेंट को प्लेटो फेज और वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। इस सेगमेंट का काफी रोल होता है डायग्नोसिस में, कब, जब वेंट्रिकुलर इस्केमिया या हाइपोक्सिया मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने लगे, तो इसका मतलब है एसटी सेगमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम, एसटी सेगमेंट के टाइम फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब है हाइपोक्सिया कंडीशन जनरेट होगा। दूसरा जो चीज है टी वेव, ध्यान रखना टी वेव क्या बताता है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन के बारे में हमको बताता है। और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन क्या है कि अगर जनरली वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है देन क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, और जो टी वेव चेंजेज अगर हो रहा है किसी में तो नॉट वेरी स्पेसिफिक सिग्नेचर को बताता है। इट कैन बी ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, एन एंग्जाइटी, ड्रिंकिंग हॉट एंड कोल्ड बीवरेज और ईटीसी। अब अगला जो टाइम फ्रेम है
जो क्यूटी इंटरवल क्या बता रहा है, यह टाइम फ्रेम है जो आपको बता रहा है कि वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन टू अकर दोनों, और इस ड्यूरेशन को हम लोग एवरेज वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो टाइम फ्रेम है 0.20 से 0.40 सेकेंड्स होते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति में लॉन्ग क्यूटी इंटरवल हो रहा है तो उसको डायग्नोसिस किया जा सकता है, और इसका जो सिग्नेचर हम लोग मिलेगा कि जनरली इरेगुलर और टू रैपिड हार्ट बीट होता है। तो हमने यहाँ डिफरेंट तरह के सेगमेंट को एनालाइज किया और समझा कि उसका क्या मतलब है। अब हम लोग एक बार और ब्रीफ ओवरव्यू कर लेते हैं कि पी का मतलब आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, क्यू आर एक्स कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, और वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन आपका जो टी वेव का सिग्नेचर हमको बताता है। अब हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। यह सवाल जो है CSIR 2018 में जून में पूछा गया था, और ये सवाल क्या कह रहा है देखिए, काफी सिंपल सवाल है कि आपका ECG रिकॉर्डिंग है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का, और आप देख सकते हैं इधर मिली वोल्ट है, इधर टाइम है, और बिल्कुल इस तरह का PQRST कॉम्प्लेक्स है। हम समझते होंगे कि आपने याद करके रखा होगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा तब इस सवाल को बनाइएगा, एक बार देख के फिर से बनाइएगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो आप यहां देखते हैं क्या पूछ रहा है, द रिलेशनशिप ऑफ एन इवेंट ऑफ कार्डिक साइकिल ऑफ द वेव आर प्रपोज द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसको प्रपोज किया गया, देख के साइकिल को प्रपोज किया गया, क्या क्या प्रपोज किया गया है कि पी वेव अकर्स ड्यू टू डिपोलराइजेशन ऑफ द आर्टेरिया, द आर्टेरियल रिपोलराइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द टी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स अकर ड्यू टू वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, QT इंटरवल इंडिकेट्स द प्लेटू फॉर्मेशन ऑफ ऑरिकल एक्शन पोटेंशियल। अब इसमें से पूछ रहा है क्या कि आपको सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन विथ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट जिसमें है उसको आपको चूज करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि पी वेव के बारे में हम लोग देखे थे, वो क्या बता रहा था, आर्टेरियल डिपोलराइजेशन के बारे में बताता है, जो कि बिल्कुल सही है, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तब तो एथ वाला तो होगा नहीं, क्योंकि दूसरा जो आपके पास परिस्थिति है, आर्टेरियल रिपोलराइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर टी वेव, जो कि बिल्कुल सही नहीं है स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट है। दूसरा जो चीज है, QRS कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो आपका सही स्टेटमेंट कौन हो गया, ए एंड सी, एक तो बी अभी गलत हुआ है। अब देखिए QT इंटरवल इंडिकेट्स द प्लेटू पोर्शन ऑफ ऑरिकल एक्शन पोटेंशियल, नहीं ये भी क्या आपका गलत है, कौन सा होता है ST इंटरवल, जो इंडिकेट करता है प्लेटू पोर्शन। एनीवे तो हमने देखा क्या कि बी और डी क्या है आपके लिए गलत ऑप्शन है, और इस तरीके से आपका कौन सा आंसर सही होगा, चार नंबर का जो आंसर है वो क्या होगा, सही होगा, कि बी और डी स्टेटमेंट गलत है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको नए वीडियो की सूचना इससे तुरंत प्राप्त होगी। साथ ही साथ अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, यह हमें नए वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करता है। And thanks once more for watching the video.